लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, या फिर हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें मैंने ये बताया था कि ऑपरेटर या फिर संकारक जो होता है वो क्या होता है, ये क्या है, गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है ना, जिसको अगर हम किसी भी फंक्शन के ऊपर, वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी सहायता से हमें क्या प्राप्त होता है, कोई अन्य वेव फंक्शन प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि गणितीय संक्रिया के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई भी एक एक एफ ऑपरेटर है, इसको मैंने साई एक्स वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करे और हमें एक फाई एक्स करके एक अन्य वेव फंक्शन प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में ये ए वेक्टर क्या कहलाता है, एक ऑपरेटर, जिसे किसके ऊपर, जिसे साई एक्स पर ऑपरेट किया गया है। तो इसको, इसके ऊपर ऑपरेट करने से हमें क्या मिल रहा है, फाइव एक्स के रूप में एक दूसरा फंक्शन मिलता है। तो इस प्रक्रिया को या इस संक्रिया के अंदर यूज होने वाले कारक को क्या बोला जाता है, ऑपरेटर बोला जाता है। जैसे कि आप देखो कि डेल अपॉन डेल एक्स मल का, या फिर आप ये कह सकते हो साइन एक्स का, अगर अपन अवकलन करते हैं एक्स एक्स के सापेक्ष, तो हमें क्या मिलता है, एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स प्राप्त होता है। अब देखिए, आप देखोगे तो साइन एक्स, साइन किसका फंक्शन है, एक्स मतलब पोजीशन का बोलो, या फिर आप ये बोल सकते हो अगर एक्स पोजीशन है या एंगल है, तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि साइन किसका, एक्स का फंक्शन है, एक्स के बदलने पे साइन भी बदलेगा। अब देखिए आपने क्या किया, एक्स के सापेक्ष साइन का अवकलन किया तो क्या मिला, कॉस एक्स मिला। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये साइन एक फंक्शन है और इसका हमने क्या किया, अवकलन किया है, तब हमें दूसरा फंक्शन क्या मिला, कॉस एक्स मिला है। तो यहाँ पे ये एक एफ किसके बराबर हो गया, डेल बाय डेल एक्स, मतलब इसको क्या बोलेंगे, अवकल संकारक। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी, या ऑपरेटर को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ऑपरेटर को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेटर एक क्या होती है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जिसको हम किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उसकी सहायता से हमें क्या मिल जाए, एक दूसरा वेव फंक्शन मिले। तो यूज होने वाले कारक, या फिर आप ये कह सकते हो ऑपरेटर को, हम यूज होने वाले कारक को हम क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटर बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया हमने, क्या लिया है, इस ये वाला एग्जाम्पल लिया है, इसमें जो ऑपरेटर या फिर जो कारक है वो कौन सा है, अवकल कारक है, जिसे कि कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी डेफिनेशन इस ऑपरेटर की यह होती है कि जो ऑपरेटर जो होता है वो एक क्या होता है, एक नियम होता है, एक क्या होता है, नियम होता है, जिसके तहत अगर हम किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर इसको अप्लाई करें, या फिर इसको किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर लगाए, जैसे कि मान लो कि ये एक नियम है जिसको हम क्या करें, किसी तरंग फलन पर लगाए, जैसे कि मान लो कि ए ऑपरेटर है, उसको हमने क्या किया, साई एक्स के ऊपर लगाया, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिले, वही का वही वेव फंक्शन प्राप्त हो जिसके ऊपर हमने क्या किया है, इसको लगाया, मतलब साई एक्स ही प्राप्त हो। परंतु ये हो किसके साथ में, एक स्थिर नियत राशि के गुणनफल के साथ में उपस्थित हो, तो भी इसको क्या बोला जाता है, इस संकारक को या इस कारक को क्या बोला जाता है, ऑपरेटर। तो सेकंड डेफिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, नियम होता है, क्या होता है, ऑपरेटर एक नियम होता है, जिसके तहत इसे किसी, इसके तहत इसे किसी तरंग फलन पर, जिसे तहत इसे किसी तरंग फलन पर लगाने से, तरंग फलन पर लगाने से फलन के समान फलन प्राप्त होता है, जो कि किसी नियत राशि से, किसी नियत राशि से क्या होता है, गुणन फल के रूप में होता है,
ए कैप साइन एक्स, ए साइन एक्स, जहां पे ए कैप क्या है ऑपरेटर तथा स्मॉल ए जो है वो क्या है ए कैप के तहत वास्तविक मान, ए का वास्तविक मान, ठीक है ना। तो डॉट डेफिनेशन हमने पढ़ ली ऑपरेटर की, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी कि अगर किसी भी गणितीय किसी भी कारक या फिर कारक को अगर हम क्या करते हैं या ऑपरेटर को हम किसी भी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर हमें अन्य फंक्शन प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाएगा ऑपरेटर कहलाएगा वो कारक। दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाए कि के रूप में हम क्या बोल सकते हैं कि एक नियम होता है जिसके तहत अगर हम किसी वेव फंक्शन के ऊपर इसे अप्लाई करें तो उस कंडीशन में हमें सेम फंक्शन प्राप्त हो तो और वो किसी अन्य राशि के साथ में गुणनफल के रूप में भी हो तो भी हमें इसे ऑपरेटर कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम वेव फंक्शन जो है वो समान प्राप्त होगा, कभी कभार क्योंकि आप लोगों को मालूम है कभी कभार इसका मान चेंज भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा था कि जो अभी आपने जब साइन का किया था तो आपको क्या मिला था कॉस मिल रहा था, ठीक है। तो साइन का आपने किया तब कॉस मिल रहा था, अब यहाँ पे आप देखोगे तो वेव फंक्शन क्या है चेंज हो गया। लेकिन इसको अपन आप साइन के रूप में भी ले सकते हो, 90 माइनस एक्स वाले फॉर्मेट में लिखते हो जैसे आप, तो 90 माइनस एक्स में क्या आ जाएगा वापिस साइन का फंक्शन आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये आप लोगों को ध्यान रखना है समान वलन प्राप्त हो या फिर वो क्या हो किसी भी क्या हो नियत राशि के गुणनफल के रूप में हो तो उसके तहत हमें उस क्या कह सकते हैं ऑपरेटर उसको कह सकते हैं। अब देखिए इसके जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे तो ऑपरेटर के लगभग 9-10 प्रकार है या टाइप्स है, लेकिन जो नॉर्मली आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है 2-3 से 4 तरीके के ऑपरेटर उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और साथ में जो आपके फिजिक्स के अंदर जो एनर्जी है मोमेंटम है पोजीशन है इनसे रिलेटेड जो ऑपरेटर है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे ज्यादा हम इस ऑपरेटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी क्या है टेढ़ी चीज है, मतलब आप लोगों को डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी, इसको अप्लाई करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा अपन अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और जितने इसके ऊपर जितने आप लोगों के नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम सारे ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो आपका कौन सा है रैखिक संकारक, रैखिक संकारक या फिर उससे हम क्या बोल सकते लीनियर ऑपरेटर। रैखिक संकारक या लीनियर ऑपरेटर, अब देखिए किसी भी कारक को हम लीनियर ऑपरेटर कब कह सकते इसके दो नियम है, मतलब कोई भी अगर मान लो के ए कैफ या बी कैफ क्या है एक लीनियर ऑपरेटर हो, कैसे हो लीनियर ऑपरेटर हो दो लीनियर ऑपरेटर है ये कब लीनियर ऑपरेटर होंगे उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है दो नियम का पालन करना पड़ता है। कितने नियम का दो नियम का पालन करना दो नियम का पालन करें तो ये कैसे ऑपरेटर कहलाएंगे लीनियर ऑपरेटर कहलाएंगे, इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब वो दो नियम कौन से सबसे पहला नियम जो है इसके अंदर वो क्या है बंटनता का नियम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब आपने किसी भी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया तो उस कंडीशन के दो वेव फंक्शन जो कि किसके रूप में युग्म के रूप में या योग के रूप में है तो उस कंडीशन में बंटनता के नियम के अनुसार क्या होगा वो ऑपरेटर क्या होगा उन्हीं दो वेव फंक्शन के ऊपर भी एक समान रूप से अप्लाई होगा। जैसे कि बंटनता के नियम में जो एग्जांपल है उसके रूप में हम क्या मान ले कोई दो फलन है
साई वन व साई टू है, तो है तथा इसमें क्या है तथा ए कैप जो है क्या है ऑपरेटर है। इसे हम क्या बोलेंगे रैखिक संकारक, इसे हम रैखिक संकारक कह सकते हैं यदि क्या हो जाए, यदि ए कैप कोष्टक में क्या हो जाए साई वन प्लस साई टू इक्वल्स टू क्या आ जाए ए कैप साई वन प्लस ए कैप साई टू, ये इस नियम का पालन करता है तो इसे हम क्या बोलेंगे रैखिक संकारक। अब इसके साथ साथ में एक और नियम का भी ये पालन करना चाहिए। अब देखिए बंटनदा के नियम में क्या है, ये दोनों ही वेव फंक्शन के ऊपर क्या है एक समान से ऑपरेट हो रहा है, मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हो कि इसका बंटन है वो क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों ही वेव फंक्शन के ऊपर है एक ही जैसा है, अलग अलग नहीं है। जैसा मान साई वन के लिए प्राप्त होगा वैसा का वैसा मान साई टू के लिए भी प्राप्त होगा, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर प्राप्त होता है पता चलता है। दूसरा नियम है आप लोगों के सहचार्यता का नियम, एसोसिएटिव अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ से क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए कि एक वेव फंक्शन है फलन है साइन तथा ऑपरेटर संकारक क्या है ए कैफ है तथा ए कोई स्थिरांक है, तो यहाँ पे ए कैप को हम क्या बोलेंगे रैखिक संकारक कह सकते हैं यदि क्या हो, यदि ए कैप ए साइन किसके बराबर हो ए कोष्ठक में ए कैप, मतलब आप क्या कर रहे हो स्थिरांक और वेव फंक्शन के गुणनफल का अगर आप ऑपरेशन करते हो तो उससे जो वैल्यू इससे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू क्या होगी किसी वेव फंक्शन का आपने ऑपरेट के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करके आपने क्या की एक वैल्यू ज्ञात की और उसका गुणा वापस आपने किससे कर लिया स्थिरांक से कर लिया, उससे जो वैल्यू प्राप्त हो ये दोनों वैल्यू क्या हो एक दूसरे के समान हो। मान लो कि यहां से अगर वैल्यू पांच मिले तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी पांच होगी, ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है इस प्रकार के ऑपरेटर के अंदर। मतलब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कोई भी संकारक जो है वो रैखिक संकारक कब होगा जब वो एक तो वो किसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटनता के नियम का पालन करता है, दूसरा वो किसका एसोसिएटिव लॉ या फिर सहचार्यता के नियम का पालन करता है, तो उसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं उस ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर कह सकते हैं, अदरवाइज हम उसको कभी भी लीनियर ऑपरेटर नहीं कहेंगे। ये दोनों ही नियम को फॉलो करना एक लीनियर ऑपरेटर के लिए प्रतिबंधित है, अगर वो इन दोनों में से किसी एक का भी पालन नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या नहीं कह सकते लीनियर ऑपरेटर कभी भी नहीं कह सकते। अब देखो ये तो पता चल गया कि रैखिक संकारक हम कब कहेंगे और रैखिक संकारक होता क्या है वो यहां से पता चल गया कि कब कौन सी कंडीशन में उस ऑपरेटर को रैखिक संकारक कहते हैं वो यहां से इन दोनों नियम से पता चलेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो पढ़ लेते हैं, इसके गुण क्या है वो पढ़ लेते हैं। इसके गुण में पहला नियम ये गुण ये है कि अगर मान लो कि कोई भी दो लीनियर ऑपरेटर है जैसे कि मान लो ए कैप और बी कैप कोई भी दो लीनियर ऑपरेटर है तो इन दोनों लीनियर ऑपरेटर को अगर हम जोड़े या घटाए तो उस कंडीशन में क्या होगा जो हमें परिणाम
राशि प्राप्त होगी या परिणामी ऑपरेटर प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक लीनियर ऑपरेटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो इसके अंदर पहला प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, यदि ए कैप व बी कैप क्या है, दो कैसे है, रैखिक संकारक है, दो क्या है, रैखिक संकारक है, तो इनका योग ए कैप प्लस बी कैप तथा इनका अंतर भी, तथा इनका अंतर ए कैप माइनस बी कैप भी क्या होता है, एक रैखिक संकारक होता है। मतलब दोनों ऑपरेटर को आपने किसी भी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया है, और या फिर ये कह सकते हो कि अगर आपको मान लो कि एक ऑपरेटर ए दिया हुआ और एक ऑपरेटर संकारक बी दिया हुआ है जो कि किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों को आपने जोड़ा तथा इन दोनों को घटाया, तो उससे एक नया ऑपरेटर कैसा प्राप्त होगा, सी, जो कि या तो इनके योग के बराबर हो सकता है या फिर सी कैप डैश इनके अंतर के बराबर होगा। तो उस कंडीशन के अंदर इसके प्रॉपर्टी के अंदर ये बताया जाता है कि इनके योग तथा अंतर से जो नया ऑपरेटर भी मिलेगा ना वो भी कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, एक लीनियर ऑपरेटर होगा। कैसा ऑपरेटर होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा, इतना इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इसका पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कि दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करेगा वो देखिए, रैखिक संकारक जो है वो क्या है, योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। योग क्रम विनिमय नियम से मतलब है, एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि ए कैप तथा बी कैप क्या है, दो संकारक है, दो कैसे है, रैखिक संकारक है, तो ए कैप प्लस बी कैप किसके बराबर लिख सकते, बी कैप प्लस ए कैप, मतलब पहले के अंदर दूसरे को जोड़ो या फिर दूसरे के अंदर पहले को जोड़ो तो भी दोनों का रिजल्ट क्या होगा, एक समान प्राप्त हो। तो इस कंडीशन में वैसे संकारक को कैसा संकारक बोला जाता है, लीनियर ऑपरेटर बोला जाता है। इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक कोई भी दो लीनियर ऑपरेटर जो है वो तीसरा इसका जो नियम है या तीसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रैखिक संकारक क्या कहता है, रैखिक संकारक योग एवं गुण साचर्य का नियम, साचर्य नियम का पालन करता है। कैसे, इसको ऐसे देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में, मान लीजिए कि कोई तीन रैखिक संकारक, कोई तीन रैखिक संकारक ए कैप बी कैप तथा सी कैप है, तो ये कौन से नियम का, योग तथा गुणन साचर्य नियम, योग तथा गुणन साचर्य से मतलब क्या है, ए कैप बी कैप प्लस सी किसके बराबर लिख सकते हैं, ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी, मतलब पहले आप ए बी को जोड़ते हो उसमें सी में जोड़ो या फिर पहले बी सी को जोड़ के उसको किसमें जोड़ो, ए के अंदर जोड़ो, तो बी वैल्यू के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, योग गुणन ये वाला नियम जो है वो क्या कहलाता है, इसका एडिशन एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, ठीक है। अगर इसकी ये जो है सबसे, तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो कौन सी होगी, एडिशन एसोसिएटिव लॉ की, मतलब अगर आपने पहले दो को जोड़ा जोड़ के तीसरे में जोड़ लियो या फिर पहले के अंदर आपने लास्ट वाले दो को जोड़ के जोड़ दिया तो भी इनके रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा, हमेशा वही की वही रिजल्ट प्राप्त होगी जो पहले वाले में लेफ्ट हैंड में मिल रहा था, वही का वही रिजल्ट किसमें होगा, राइट हैंड में मिलेगा। ये तो किसके लिए हो गया, योग के लिए हो गया। इसी प्रकार से अगर हम गुणन के लिए करें तो क्या होगा, आपने पहले दो का गुणा करके फिर उसके अंदर क्या कर दिया, तीसरे के जो पहले दो के गुणनफल से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसको तीसरे के साथ में गुणा किया तो वही का वही रिजल्ट क्या होगा, दूसरे और तीसरे के गुणनफल को हमने पहले के साथ में कर दिया तो दोनों का रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, समान होगा। मतलब यहां से अगर कोई भी 10 प्राप्त हो रहा है तो यहां से रिजल्ट में क्या होगा, 10 प्राप्त होगा। वैसे ऑपरेटर को आप मैट्रिक्स के रूप में भी समझ सकते हो, जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ते हो तो मैट्रिक्स में क्या होता है,
मैट्रिक्स अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर लीनियर मैट्रिक्स होती है, रैखिक मैट्रिक्स होती है, तो उसमें क्या होगा, उस मैट्रिक्स में अगर पहली और दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके आप क्या कर रहे हो, तीसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही का वही आप ये करो कि दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई करके पहले के साथ में कर लो, तो भी हमेशा क्या होंगे, वही सेम रिजल्ट आपके, इनके रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए एक और ऑपरेटर है, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी वाले ऑपरेटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट ऑपरेटर आज के लास्ट वो है आपके यूनिट ऑपरेटर, इकाई संख्या। अब यूनिट ऑपरेटर में क्या होता है, यूनिट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको अगर अगर आप किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करो तो हमें क्या हो, सेम वही का वही वेव फंक्शन प्राप्त हो जैसा कि हमने पहले यूज किया, मतलब ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए हमने जिस संख्या किसी जिस फंक्शन को उपयोग किया है वही का वही वेव फंक्शन हमें प्राप्त हो, लेकिन वो किसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक के साथ मल्टीप्लाई के रूप में प्राप्त होता है, तो इस संकारक को हम कैसा ऑपरेटर बोलेंगे, इकाई संकारक। मतलब आपने किसी वेव फंक्शन के ऊपर किसी भी ऑपरेटर को अप्लाई किया तो हमें वेव फंक्शन वही का वही प्राप्त होगा जो हमने यूज किया है, लेकिन वो किसके साथ में मल्टीप्लाई के रूप में होगा, वो एक के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, तो इस ऑपरेटर को हम कैसा ऑपरेटर बोलते हैं, यूनिक ऑपरेटर बोलते हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह संकारक आई जिसके किसी फलन साइन पर गणितीय संक्रिया करने पर क्या हो, वह फलन प्राप्त, वही फलन प्राप्त होता है, तो इसे आई कैप, इस आई कैप को क्या बोला जाता है, इकाई सदिश कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए आई कैप साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स, मतलब यहाँ पे आई कैप की वैल्यू किसके बराबर है, इसका मान हमेशा एक के बराबर होगा ऑपरेटर का, वो किसका, वो कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, यूनिट ऑपरेटर कहलाता है। और यहाँ पे एक जो होती है वो क्या होती है, इसकी आइगन वैल्यू होती है। अभी आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक जो नॉर्मली जो ऑपरेटर आपने पहले भी पढ़े होंगे उसके बारे में मैंने बता दिया।